com, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन बिल 2019 को पास किया गया और इससे जांच एजेंसी को कई सारे अधिकार दिए गए हैं। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और ओवैसी में काफी तीखी बहस भी हुई। इस बिल को लोकसभा में 6 मुकाबले में 278 मतों से पारित किया गया और ये बिल राज्यसभा में पेश हो गया। बिल को पास करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और IMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी में तीखी बहस हुई। ओवैसी ने शाह से कहा कि आप उंगली दिखाकर डराने की कोशिश नहीं करें। इस पर शाह ने कहा कि डराया नहीं जा रहा है, डर आपके जहन में है तो हम क्या कर सकते हैं। वहीं भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि हैदराबाद के एक पुलिस प्रमुख को एक नेता ने एक आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका था और कहा कि वो कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं तो उनके साथ मुश्किल हो जाएगी। ये सुनकर IMIM के असदुद्दीन ओवैसी खड़े हो गए और कहा कि भाजपा सदस्य जिस निजी वार्तालाप का उल्लेख कर रहे हैं और जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है, क्या वो सबूत सदन के पटल पर रख सकते हैं। इस पर गृह मंत्री शाह ने कहा कि जब DMK सदस्य ए राजा बोल रहे थे तो ओवैसी ने क्यों नहीं टोका। राजा साहब ने कई ऐसी बातें की हैं जो नियम के अनुसार सही नहीं है, पर हम सब आराम से सुनते रहे, अब ओवैसी भाजपा सदस्य को क्यों टोक रहे हैं। ओवैसी ने इस पर कहा कि आप गृह मंत्री हैं तो मुझे डराइए मत, मैं डरने वाला नहीं हूं। इस पर शाह ने ये कहा कि किसी को डराया नहीं जा रहा है, लेकिन अगर डर जहन में है तो क्या किया जा सकता है। सुनने की आदत डालिए ओवैसी साहब, ऐसे नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। इस विधेयक में NIA की आतंकी घटना की देश के साथ ही विदेशों में भी जांच का अधिकार दिया गया है और इस पर लोकसभा सदस्य ने शाह से पूछा कि क्या पाकिस्तान में भी जांच हो सकेगी तो गृह मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश ने आतंकवाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अभी दस्तखत नहीं किए हैं, लेकिन भारत के पास पाकिस्तान से निपटने के सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइक समेत कई तरह के हैं। कुल मिलाकर सोमवार को लोकसभा में ये बिल पास हो गया है और गृह मंत्री अमित शाह ने NIA कानून के दुरुपयोग के विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए सोमवार को लोकसभा में साफ कहा कि मोदी सरकार कभी इसका दुरुपयोग नहीं करेगी, इसके जरिए किसी को निशाना नहीं बनाया जाएगा, आरोपी किसी भी धर्म का हो उसे बख्शा नहीं जाएगा और आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा में NIA विधेयक 2019 को पारित कर दिया गया और विधेयक में संदिग्ध को आतंकी घोषित करने का अहम प्रावधान किया गया है और इस चर्चा के दौरान हुई तीखी बहस भी मुद्दे का कारण बन रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।